अभी चुनाव है, चुनाव में बहुत अगन राजनीतिक दल के मनाते अपन अपन बात कही थे, लेकिन यू बात ध्यान में रखो बहुत मन और कटवा मन तक आते वो खेल बिगाड़े पर उतरे भी थे वो मना ये ओट कटवा मन से पहली सावधान रहना है। दूसरा बात बहुत मना रूप बदल बदल के भी आते कौन मल्ला बलाए फुसलाए के काम करते, तरह तरह के प्रलोभन देते, ये बात भी हम ध्यान में रखना है। अभी तुम्हारा साथ दे दो मैं बोर करा दू, तो मैं ऐसे करा दू, मैं वैसे करा दू, अटका पैसा कर दू, ऐसा मना खरीददार है, ये खरीददार मन से सावधान रहना है। हमार छत्तीसगढ़ के, हमार बसना के, हमार छत्तीसगढ़िया भाई बहनी मन बिकाऊ नहीं है। हमार आपके रिश्ता है, हमार भाई देवेंद्र बहादुर के रिश्ता है, फिर आप सबसे पारिवारिक रिश्ता है, घर के सगा संबंधी के रिश्ता है, दिल के रिश्ता है, भाईचारा का रिश्ता है। हम सुख में दुख में एक दूसरे के मदद करता, और ये मना कुछ मन आए धन्ना से वो मन सौदा करते, ये सौदागर मन से सचेत रहने की जरूरत है। एक तरफ भारतीय जनता पार्टी है, दूसरी तरफ कांग्रेस पार्टी। भारतीय जनता पार्टी के नेता मन आजकल बहुत अकन गारंटी दे थे, 5 साल पहले रमन सिंह गारंटी दे थी से, 15 साल राज करी बहुत गारंटी दी, तू मन संकल्प करी कसम खई कि सब आदिवासी मन जर्सी गाय तू गेरवा खूटी में टकाए टकाए सर गए, लेकिन जर्सी गाय बाड़ी बछरू नहीं मिली। रमन सिंह पर किसान मन लगे वो मन गारंटी दी कि तुम्हार हर साल 300 रुपया बोनस दू, चुनाव साल में बोनस और 3 साल बोनस ऐसे हो रही कि नहीं हो रही से वो गारंटी दे रही से, वो गारंटी दे रही से 2100 रुपये क्विंटल में धान खरीदू। एक जन बसना किसान मन बता दे कबूर रमन सिंह के राज में 2100 रुपये को धान बेचे, एक जन बता दे बेचे भजन, ये हो गए रमन सिंह की गारंटी का। अब मोदी आजकल मोदी गारंटी चला था, रमन सिंह की गारंटी फेल हो गए, अब मोदी गारंटी चला थे। हाँ भेज खदेड़बो। अब मोदी जी गारंटी दे बर उतरे छत्तीसगढ़ में, मैं थोड़ा सा उत्सुकता दिवा देता हूँ। मोदी जी 2014 में पूरा देश भर में घूम घूम के बोले रही से मित्रों विदेश से काला धन लाऊंगा और सबके खाते में 15-15 लाख रुपए जमा कराऊंगा। मोदी जी प्रधानमंत्री बन गए, सब गरीब आदमियों ने बैंक में लाइन लग के जनधन में खाता खोलवा डरी और देखा थे टुकुर टुकुर कब 15 लाख आई, अभी ये महीने नहीं आई, अगले महीने नहीं आई, ये साल नहीं तो अगले साल आई, देखा देखा 5 साल बीत गए और ये दूसरा कार्यकाल बीता था, वो 15 लाख मिल गएगा नहीं तो प्रधानमंत्री थोड़े झूठ बोली जी, तुम्हें मन ठीक से नहीं बता था।
आ गए दीदी बहनी मन के खाता में, भेजे मोदी जी मिल गए बता दियो। मैं खरानील बोल दो मांगी नहीं, ऐसा उलझल भी बोल देता हूँ, मांगना बिल्कुल नहीं, बता भरता तुम्हारा आ है। ये है मोदी जी के गारंटी, दूसरों का गारंटी, मोदी की गारंटी सुन लो। मोदी की ये 8 नवंबर कल बीती से नोटबंदी की बरसी काली हुई, 8 बजे रात के टेलीविजन में प्रकट हुई मोदी जी। भाई और बहनों, आज रात 12 बजे के बाद 500,000 का नोट रद्द थी। सब जन लाइन लग लग के 500,000 के नोट ला बदलवा। मजदूर खुश है कि किसान के काला धन तब गए रे, किसान कहा थे बड़े किसान के काला धन गए रे, बड़े किसान कहा थे मोर तो जैसे तैसे चल जाइए, व्यापारी बन के काला धन जाए। सब जन खुश है तक मोर तो जैसे तैसे है सामने वाला जाए, लेकिन सबसे ज्यादा नुकसान है भाई लोग। दिवाली त्यौहार मना रहे हैं, तेकर बाद 8 नवंबर पड़ रही थी दिवाली पर घर के सियान मन के तो पैसा रखे हुए देर बहुत हो, कपड़ा लत्ता लेना, लेकर पर फटाका लेना है, मिठाई लेकर आ जाते, तेल फूल ले लेते, जाग बसना नहीं। भाई लोग बड़ा गुर्रा कह रही से वो घर आ रहे थे, अभी मांग सकते हैं तो फोन लगा रहे हैं, उसने कह रहे नहीं कह रहे। और जैसे 8 नवंबर है मोदी जी के इसके नोटबंदी हो गए, 500,000 के नोट अब नहीं चला है, दूसरा दिन तीसरा दिन चेती खजवा कहा थे वो फुकू कर गए रहे, मुझे 1,000 रुपए धार आए इसे, बिहार गए रहे तो फलान मामी दे रही से, ये 2,000 रुपया है बदलवा के ले आते थे, वो काला धन तुम्हारे गए वो आज वापस नहीं करे, तुम ना बेटा वापस करे ना घर वाला वापस करे, करे बता दो तुम, तुम्हारे मन लग पैसा का काला धन बता दे मोदी जी, काला धन ने 50 दिन में मुल्क 30 चौराहा हम लटका दू, लेकिन आज तारीख तक के कत का काला धन आए आज तक के कोनो ने बताया, बताया बता दो कौन कत का रुपया जमा हो कत का काला धन, ये दूसरा गारंटी। तीसरा गारंटी होकर कोरोना है, कोरोना में इतने भगवान हो चुटकी बजाते घर घर में दियत बार दो, कोरोना भाग दो भागी फेल के ताली बजाओ, मैं तुम मोदी के अरे मोदी कह रही थे भाई थाली बजाओ ताली बजाओ, कोरोना भाग गई भागी कोरोना। किसान मन लगे इसके, किसान मन के 16 में कह रही इसकी 2022 में सब किसान के आय दुगुना हो गई, पेट्रोल के भाव बढ़ा दे, डीजल के भाव बढ़ा दे, माटी तेल के भाव बढ़ा दे, डीएपी भाव बढ़ा दे, यूरिया भाव बढ़ा दे, पोटाश के भाव बढ़ा दे, रसोई गैस के भाव बढ़ा दे, अभी तो वो प्याज है तेना 800 रुपया दे, प्याज की कीमत भी 80 रुपया हो गई, हो गए कि नहीं हो, महंगाई बढ़ा दे, तब ये बता अब मोदी के गारंटी की कोई गारंटी है का, भाजपा गारंटी की कोई गारंटी है, दीदी मन बताओ कोई गारंटी को भरोसा है तुम्हारा, एकर मन के गारंटी के कोई गारंटी नहीं। वाह 2100 रुपये दे दी तेने भाई, 2100 रुपये धोखा, हाँ ठीक है ना हो गया 2100 दे दी, अब 2100 रुपये कहाँ देवे, किसान मतलब फिर ठगे बोलता, अरे भैया यहाँ किसान कहा महिला मई हमर दीदी मन बैठे घर के मुखिया बनाओ, रमन सिंह बना दिस राशन कार्ड में नाम लिखवा दिस, चुनाव पहले खूब राशन कार्ड बने और चुनाव से रही ता सत्यापन के नाम से सबके राशन कार्ड रखा, काटिस के नहीं काटिस, 35 किलो में लगती से 7 किलो करिस के नहीं करिस, करिस ना। अरे भैया रमन के राज में 15 साल में हमन दूध में जले हन गा,
चाहे आदिवासी हो, किसान हो, मजदूर हो, महिला हो, सब दूध के जले। अब महिला तक फूक फूक के पिया, एक भरोसा नहीं है। अब उन्होंने कुछ कहा देते ऐसे आ जाओ, अगर सुना नहीं ऐसे आ जाओ, पुलिस ले आ गया। पुलिस वाले मैडम पुलिस ले, मैं बात करूं करते हैं, बुला ले बुला ले, कुछ बोलना चाहते मैं बात करूं। अब मैं आप लगाना चाहता हूं, हमारे नेता गारंटी दी, दिन के अंदर किसान के कर्जा माफ होई, 10 दिन नहीं लगे, 10 घंटा नहीं लगे, 2 घंटा के अंदर में 19 लाख किसान के 9.5 करोड़ रुपए माफ हुए, ये गारंटी है। समर गारंटी भरोसा है कि नहीं है? राहुल गांधी के लिए तो 2500 रुपये खरीदी करवो, 2500 रुपये मिलीस कि नहीं मिलीस? हम तो वादा से ज्यादा देने का 2640 और 2660 रुपए में बेचक नहीं बेचे तेल बता दो। हमारे गारंटी का भरोसा है कि नहीं है? तेंदू पत्ता 4000 प्रति मारा गोरा के दर से बिकिस कि नहीं बिकिस? बिजली बिल आधा हो कि नहीं हो? स्वामी आत्मानंद अंग्रेजी स्कूल खुलिस कि नहीं खुलिस? ये गारंटी है, तो कांग्रेस की गारंटी के भरोसा है। कर्जा माफ करा था तो दूसरी तरफ मोदी जी है काकर कर्जा माफ करते, उद्योगपति मन के अडानी जैसे आदमी मन के कर्जा माफ करा था, ओकर मन के कर्जा माफ कतका करे जान था। मैं किसान के 9.5 करोड़ रुपए माफ करे, और मोदी जी है उद्योगपति मन के 24 लाख करोड़ रुपए माफ करे, 24 लाख करोड़। अब रमन सिंह में फिर अभी के, अब एक चुनाव हो गया, अब दूसरा चुनाव अभी आया है, शक्ति में नवरात्रि दिन दे रहे हैं, चरणदास जी के नामांकन में, और हम घोषणा करें कि हमार सरकार बनाओ, कांग्रेस के सरकार बनाओ, और फिर से किसान के कर्जा माफी हो ही। जब ये बात मैं कहता हूँ तो रमन सिंह के पेट में दर्द हो जाता है। किसान के कर्जे में आप काबर कर बे, तो मैं क्या उद्योगपति मन की काबर करे, और तोर काबर जियाना थे। मैं जब किसान के कर्जे में आप करा था तो तोर कार तकलीफ होती, दे तो नहीं करा था, अब आज तक करे भी नहीं है। किसान के कर्जा माफ हुई, और यू बात वो समय 2500 कह रहे हैं और 2640 दे रहे हैं। ए बखत बसनम में फिर कहा था किसान भाई मल्ला कि हमार सरकार बनाओ, कांग्रेस के सरकार बनाओ, किसान के सरकार बनाओ, 3200 रुपया क्विंटल में खरीदो, 3200। काका अभी जिंदा है। छत्तीसगढ़ का मुख्यमंत्री कैसा हो? छत्तीसगढ़ का मुख्यमंत्री कैसा हो? तो मैं कब कहा था तब तला? हाँ तो मैं तो अगले चुनाव पर कहा था तला? अरे यही साल कर वो, अरे धान खरीदी 20 क्विंटल कह रहे हो ना, शुरू हो गए कि नहीं हो गए? हो गए ना, 20 क्विंटल धान खरीदी शुरू हो गया। हमारे पहली घोषणा रही से ऋण माफी भी हुई और 3200 रुपये में खरीदी तक हुई। का बात की चिंता है? अब केवल किसाने भर के कर्जा माफ नहीं करा था, बहनी मन बैठे महिला बाल विकास से ह्यूमन लोन ले, सक्षम योजना में लोन ले, हम बहनी मन जतका स्व सहायता समूह मन कर्जा ले ना, वो कर्जा माफ कर दो। दीदी मन सुन लो, सब दीदी मन के बहनी मन के जन स्व सहायता समूह के वो सब के कर्जा माफ हुई। भूपेश भैया, भूपेश
और इज्जत का ट्रांसपोर्टर मैंने 2018 के बकाया है, 2018 के टैक्स बकाया है 726 करोड़ रुपया। वो इज्जत का ट्रांसपोर्टर है, ओकरो मन के कर्जा माफ, ओकरो मन के टैक्स माफ। जी हाँ, 17.5 लाख आवाज बनाओ, 7.5 लाख के बन गए पैसा, पहली चीज पहुंचे 17.5 लाख। भले मोदी पैसा दे चाहे मत दे, केंद्र सरकार पैसा मत दे, लेकिन छत्तीसगढ़ सरकार के गरीब के मकान बनाकर 17.5 लाख जिंदा है। मैं पहली कह रहे कि महंगाई बहुत मार पड़े, पेट्रोल डीजल के भाव बढ़ गए, राहर दाल के भाव बढ़ गए, खाए तेल के भाव बढ़ गए, प्याज 8-8 रुपया थे। ऐसा समय में बहनी मन से कहना चाहता हूँ, आदमी मन तो पैसा कमा के लाते, घर चलाए जिम्मेदारी हमारे बहनी मन करे, तो मन तो 1000 रुपया देवो का तेरो भरोसा नहीं है, अगर तो कोई गारंटी नहीं तो मन मिल भी जाए। लेकिन मैं आप लोग विश्वास दिलाता हूँ, मैं 5 प्रकार से आपके सहयोग करना चाहता हूँ। पहली बात, वो मन कहे थे वो जिन उज्ज्वला योजना है ना, तेना 500 रुपये में देबो कहा था, और हम कहा था 107 रुपये में देबो, 500 रुपया सबके खाता में डालबो, चाहे उज्ज्वला वाला हो चाहे बिना उज्ज्वला वाला हो। भूपेश भैया जिंदाबाद। अभी गैस कनेक्शन है, हमन भेद नहीं करा, न किसान से भेद करम, न महिला मा से, मन उज्ज्वला में भेद करा। दूसर मन गैस कनेक्शन मिला थे ते मन कावर नहीं मिलना चाहिए, मिलना चाहिए ना, हमार कांग्रेस से सरकार बनाओ, देवेंद्र भाई जिताओ, फिर सब जब का गैस कनेक्शन है 500 रुपया पाओ। दूसरा बात, बिजली बिल 200 यूनिट तक के कोनो पटाए की जरूरत नहीं है, ये ना 200 यूनिट तक बिजली बिल जलाई होकर कर बिजली बिल जाबे नहीं कर पटाए, सवाले नहीं उठा, गरीब आदमी है ना, वो देवेंद्र भैया है, निया खरानी जी है, सलूजा जी है, ये हमार हरिचरण भाई है, एक मन के जाही बिजली गिर जाता, काबर के मन कूलर चलाते एसी चलाते, लेकिन गरीब आदमी कहाँ 200 यूनिट जलाते, तो 200 यूनिट जन बिजली जलाई एक घर बिजली बिल जाबे नहीं कराया, बजान ताली वो। दूसरी बात आप मल के हैं, तीसरा बात, जिन गरीब आदमी है, जिन भूमि श्रमिक है, वो 7000 रुपया दे दे, 10000 रुपया सालाना दे। चौथा बात, सबसे ज्यादा खर्चा होते इलाज में, लड़का में बीमार पड़ गए, सियान बीमार पड़ गए, कभी एक्सीडेंट हो गए, कोनो ला। तो मैं आपके लिए कहा था कि 10 लाख तक के डॉक्टर खूबचंद बघेल जैन, डॉक्टर बघेल के ये योजना है, 5 लाख तक मिला त्री से, अब वह 10 लाख तक के इलाज हर परिवार करा सकते, 25 लाख तक के मुख्यमंत्री विशेष सहायता योजना, और काकरो भगवान न करे काकरो एक्सीडेंट होए, एक्सीडेंट हो तो पूरा खर्चा सरकार उठाई पाए। अब पांचवा बात, जिन प्रदेश के भविष्य ऊपर जुड़े हैं, हम सब चाहते हैं हमारे लड़का पढ़ाए बढ़िया, नर्सिंग कॉलेज में पढ़ाए, आईटीआई करे, साइंस कॉलेज पढ़े, कॉमर्स पढ़े, आर्ट पढ़े, इंजीनियरिंग कॉलेज पढ़े, मेडिकल कॉलेज पढ़े, सब जन चाहते हैं, सब बढ़िया चाहते हैं कि हमारे लड़का वहाँ पढ़े, लेकिन गरीबी परिस्थिति के कारण से, आर्थिक स्थिति के कारण से हम नहीं पढ़ा पाए। अब हमारे सरकार फैसला, हमारे पार्टी फैसला करे, सरकार आई तो पहली कक्षा से लेके MA BA तक के, पोस्ट ग्रेजुएशन तक के, चाहे वो डॉक्टरी पढ़ी हो चाहे इंजीनियरिंग की पढ़ाई हो, एक पैसा जमा दे की जरूरत नहीं है। भूपेश भैया फीस और ट्यूशन फीस, गरीब के लिए का मन भी बहुत होशियार रहे थे, लेकिन पैसा का अभाव नहीं पड़ पाए, एक स्थिति देश में पहली बार ऐसा लागू होते, KG टू
पीजी पहली कक्षा से लेके स्नातकोत्तर तक एक पैसा पढ़ाई में खर्चा नहीं हो, एक बड़े बात आज तक कोनो नहीं करे। एक मतलब राशन आपके फ्री, बिजली फ्री, इलाज फ्री, और 10,000 रुपया सालाना गरीब परिवार ला, पढ़ाई फ्री, लाखों रुपए लगते पढ़ाई, आज गरीब के लिए का पढ़ सका। अब 1,000 रुपए मुझे का सब कुछ मन बता दे, ओकर गारंटी भी नहीं मिले। लेकिन ये सब मैं कहना चाहता हूँ, कांग्रेस के गारंटी ऊपर भरोसा है कि नहीं है? देवेंद्र ऊपर भरोसा है कि नहीं है? मोहन ऊपर भरोसा है कि नहीं है? और भूपेश ऊपर भरोसा है कि नहीं है? है ना देवेंद्र भूपेश आवेद अगर ऊपर भरोसा है ना? ये भरोसा जी अभी एक किस्त गए बाबू 7.5 लाख परिवार ला। अब ये तो रमन सिंह कहा थे कि पैसा ला पंचायत के माध्यम से बंटवाबो और नकदी बंटवाबो, तो कमीशन खोरी पहली व्यवस्था कट रहे हैं। अब यहाँ डायरेक्ट जाते, मैं आप लोग कहना चाहता हूँ हर 15 दिन में गोबर पे चाहिए खाता पैसा जाते, वर्मी कंपोस्ट बना के देकर खाता में पैसा जाते, हर 15 दिन में, हर महीना में बेरोजगार मन के बेरोजगारी भत्ता और बटन चपक जाते, हर 3 महीना में श्रमिक और किसान मन के खाता पर 3 महीने में बटन दबाता हूँ आपके खाता में पैसा जाते। साल में तेंदू पत्ता संग्रह के इमली बेचे और महुआ भी नहीं है मन के खाता में पैसा जाते, हर बार बटन दबाता हूँ 15 दिन में, महीना दिन में, 3 महीना में, साल में बटन दबाता हूँ थोड़ा मन के खाता में पैसा जाते। अब तुम्हारा 17 तारीख के घाव बटन दबाना है, कहाँ में दबाओ? हाथ उठाओ बताओ कहाँ में दबाओ? सब जन हाथ उठाओ बताओ कहाँ में दबाओ? रहती होती झंझा दे दनादन पंजा, पंजा छाप पंजा छाप, देती होती झंझा दे दनादन पंजा। तो नारा जी पर लगाओ, एती होती झंझा। वाह बढ़िया, तो बहुत ज्यादा हो न कहते हुए आप सबसे निवेदन, 5 साल हर परिस्थिति में छत्तीसगढ़ के किसान के मजदूर के नौजवान के महिला मन के गरीब के साथ छत्तीसगढ़ कांग्रेस की सरकार बने रही से आने वाला 5 साल आपके आशीर्वाद मिली, तो जत का कन बात बताए वो सब आप लाभ मिली। छत्तीसगढ़ के न केवल आर्थिक उन्नति शैक्षणिक उन्नति की बात नहीं कर रहा था, केवल स्वास्थ्य की बात नहीं कर रहा था, लेकिन हमारी संस्कृति छत्तीसगढ़ की जन संस्कृति है, परंपरा है, ओला आगे बढ़ाए काम करें, चाहे वो हरेली की छुट्टी है, तीजापुरा की छुट्टी है, विश्व आदिवासी दिवस की छुट्टी है, कर्मा जयंती की छुट्टी है, शिशिरा पुण्य की छुट्टी है, सब दिवाए काम हमारी सरकार करे और सब तीज त्यौहार बहुत शानदार मना था, राम वनगमन पर्यटन पर्वत भी बना था, तो कबीर सरोवर भी बना था, तो गुरु घासीदास जी के जन जैत खाम है, हर ब्लॉक में मॉडल जैत खाम हम बनाबो, और साथ साथ जब का आदिवासी मैंने बस्तर हो सरगुजा हो के देवगुड़ी है, पेनगुड़ी है, मातागुड़ी, ठाकुर देव, गोटू, सबके निर्माण हमारे सरकार करा थे, जहाँ एक तरफ आदिवासी नृत्य महोत्सव करा थे, दूसरा तरफ यो महोत्सव करा थे, तीसरा तरफ रामायण महोत्सव भी करा थे, एकर पहले प्रदेश में कभी नहीं होली, एकर मन के काम तो राम नाम जपना पराया माल अपना, हम तो भगवान राम के सियावा में मूर्ति लगा दें, चंपारण में लगा दें, राजीव में लगा दें, चंदखुरी में लगा दें, तुरतुरिया में लगा दें, श्री नारायण में लगा दें, रामगढ़ में बना दें, कोरिया जिला के सीतामढ़ी के सीता माता की रसोई जहाँ बनाते वहाँ हम भगवान राम के दिव्य मूर्ति लगा दें, लेकिन कभी भगवान राम के नाम से हम वोट नहीं मांगे, न नोट मांगे, लेकिन हमन कहना चाहते हैं ये राम है तो हमारे आदिवासी के राम है, ये राम है तो सबरी माता के राम है, ये राम है तो मेहनत कर साथी मन के राम है, ये राम है तो कौशल्या माता के राम है, और कौशल्या माता हमारे छत्तीसगढ़ की बेटी है, लेकर देते हम सब के भाचा राम है, अरे हमारे मन में रिश्तेदारी है छत्तीसगढ़ में, हमन वैसा वोट उठ नहीं मांगा, हमारे तो आस्था है, हमारे तो श्रद्धा के केंद्र में सौदा नहीं करना।
हमन तो समर्पण भाव से काम करते हैं। तो आप सबसे निवेदन, जैसे छत्तीसगढ़ बहुत शांति पूर्वक हम 5 साल चलाएं, उसमें आशीर्वाद आप सबके मिला है, यही निवेदन आप सबसे करते हुए आपसे विदा चाहता हूं। पहले एक बार जोरदार नारा आप सब सब लगाओ, कांग्रेस पार्टी मल्लिकार्जुन खड़गे, राहुल गांधी और जीतेगा भाई जीतेगा, पंजा छाप जीतेगा, जीतेगा भाई जीतेगा, पंजा छाप जीतेगा। जय हिंद, जय छत्तीसगढ़, जय कांग्रेस। हमारे कुछ